जैसा कि दोस्तों मैं फिर से एक नई वीडियो लेके आ चुका हूँ। इस वीडियो में हम बात करने वाले आधार कार्ड की। दोस्तों इसमें आप लोगों को कोई भी दिक्कत आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना। दोस्तों मैं फिर से एक नए वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। जैसा कि दोस्तों आपका आधार कार्ड बना होगा तो आप लोगों का आधार कार्ड डुप्लीकेट शो होता होगा दोस्तों, इसलिए आप लोगों को कंपनी में बात कर लेनी। जैसा कि दोस्तों मैं आप लोगों को कंपनी में बात करना बता दूंगा। दोस्तों मेरी केवल आवाज़ को सुनना और इससे मैं क्या कह रहा हूँ वो भी आप बिल्कुल ध्यान से सुने, तभी आप लोग आधार कार्ड अपना पा सकते हैं। दोस्तों अगर आप मेरी बात गौर से नहीं सुनेंगे तो आप लोगों को बहुत सारी दिक्कत हो सकती है। अगर आपका आधार कार्ड नहीं निकला हुआ है, अगर आपका आधार दो दो बने या तीन बने, आप कितने भी आधार कार्ड बनवा लो, आप लोगों को प्रॉब्लम ही आने वाली है। जैसा कि दोस्तों मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कंपनी का हेल्पलाइन नंबर से आप लोगों को अच्छे से डिटेल दे देना है और आपको कंपनी से आप लोगों का कंपनी की तरफ से नंबर मिल जाएगा आधार नंबर। दोस्तों वीडियो शुरू करने से बस छोटे से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। जैसा कि दोस्तों मैं कल गया था पोस्ट ऑफिस, वहाँ पे मैंने देखा कि मेरे एक फ्रेंड ने मुझसे कहा कि मेरा आधार कार्ड कहीं भी नहीं निकला हुआ। तो दोस्तों मैं समझ गया था इसमें क्या दिक्कत आ रही है और क्या प्रॉब्लम आ रही है। दोस्तों अब मेरे सब्सक्राइबर को भी यही प्रॉब्लम आती जरूर होगी। तो दोस्तों मैं इसीलिए ये वीडियो देख के और मैं कहने कल अपने फ्रेंड मतलब एक लड़की थी मेरी फ्रेंड समझ लो आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों, तो उसका मैंने वहाँ पे देखा कि उसका आप आधार कार्ड डुप्लीकेट बता रहा है दोस्तों। तो मैंने कंपनी से बात की और अच्छे तरीके से आप लोगों को बात कर लेनी है। अगर आप अच्छे तरीके से बात कर लोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। अगर आप बात नहीं कर सकते तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में मुझे अपना आते हो डायरेक्ट मुझसे चैट करना चाहते हो, मैं इंस्टाग्राम के लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग मुझसे चैटिंग कर सकते हो, वहाँ पर मैं अपना व्हाट्सअप नंबर आप ले सकते हो और मुझसे बात कर सकते हो दोस्तों। तो यही इस वीडियो में पूरी प्रोसेस में बताने वाला हूँ, आगे आप लोगों को दिखाऊंगा क्यों डुप्लीकेट बताता है दोस्तों, डुप्लीकेट क्यों बताता है यही वीडियो में पूरी प्रोसेस में बताने वाला। वीडियो ज़्यादा लंबी हो सकती है, आप लोग वीडियो कहीं भी स्किप कर दोगे तो वीडियो समझ में नहीं आएगी। तो बस आप लोगों को कोई भी दिक्कत आ रही है या नहीं आ रही है तो वीडियो कहीं भी स्किप कर दोगे तो आपको दिक्कत आ जाएगी। तो दोस्तों वीडियो इसलिए बोलते हैं वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। दोस्तों इस वीडियो से बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा आप लोगों के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी दोस्तों, नोटिफिकेशन मिल जाएगी और ले सकते हो। अगर बात को गौर से सुनोगे तो आप लोगों का पूरा काम हो जाएगा, कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पे। तो गाइस आप लोगों को अपनी रसीद देख लेने और जो भी कस्टमर मांगेगा कंपनी वाला जो आप लोगों के सामने जो कि डिटेल मांगेगा आप लोगों को रसीद के सामने दे देनी। तो दोस्तों आपको 14 अंक का इनरोलमेंट नंबर दे देना, जैसा कि दोस्तों आप लोगों की पर्ची में भी लिखा है और मैं स्क्रीन पे आपको इसमें पेंसिल का आइकन भी दिख रहा था दोस्तों, इससे मैं आप लोगों को टिक लगा के दिखा दे रहा हूँ। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे टाइम और तारीख और 2015 दोस्तों और टाइम भी आप लोग देख सकते हो 14/52/14। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग टाइम देख लेना और यहाँ पे आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ दिख जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आप लोग डेट ऑफ बर्थ अपना सेलेक्ट कर लेना। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे स्क्रैच हो चुका तो यहाँ पे आप लोग देख नहीं सकते थोड़ा सा, तो यहाँ पे आप लोगों को अपने रसीद में देख लेना है और आप लोग देख सकते हो। और मैं यहाँ पे आप लोगों को मेन बात बता देता हूँ। तो दोस्तों आपके एरिया का पिन कोड पूछा जाएगा, कंपनी आपसे आपके एरिया का पिन कोड जरूर पूछेगी तो आप लोगों के रसीद में आप लोगों का वो भी मिल जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों का कस्टमर का नाम पूछेगी तो आप लोगों को अपना ही नाम बता देना है और या तो रसीद में जिसका निकलवाना चाहते हो उसका नाम आप लोगों को बता देना है। तो यही दोस्तों छोटी सी छोटी गलती ना करें और सही से इंफॉर्मेशन दे देने। तो दोस्तों आप लोग बता देना कि मैंने अपना आधार कार्ड बनवाया था खो गया है या ख़राब हो गया है या मेरा डुप्लीकेट। तो दोस्तों आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पे आप लोगों को बता देना कि मेरा आधार कार्ड डुप्लीकेट था। तो दोस्तों आप लोगों ने बता देना है कि मेरा आधार कार्ड डुप्लीकेट था तो आप लोगों कंपनी चाहेगी तो आप लोगों को कंप्लेन नंबर आपको कंपनी दे देगी। जैसा कि दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कंप्लेन नंबर आपको कंपनी से ले लेना, जैसा कंप्लेन नंबर आप लोग कंपनी से ले लोगे तो आप लोग अपने हाथ से आधार कार्ड नंबर दोस्तों आप लोगों के सामने कंपनी का नंबर आप लोगों को आधार कार्ड का नंबर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप लोग खुद अपने हाथ से ही डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बता दे दोस्तों, ऐसे ही आप लोग बहुत सारे आधार कार्ड किसी का भी मंगा सकते हैं दोस्तों, आपको कोई भी ज़्यादा चार्ज देना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों आप लोग कितना भी चार्ज चाहो आप ले सकते हो।